जी काका मेरा कह रहा है मुझे हज़रत इमाम हुसैन की बातें बताएं। हम कव्वाली सुन रहे थे तो मैं बताता हूँ हज़रत इमाम हुसैन की बात। पानी बंद था उनका, तो उनके जो चचाजाद थे अब्बास, पानी लेने जाते हैं। ये मैंने अभी सुनाई भी है काके को। तो वो पानी डाल के अगर वो दरिया से जब निकलते हैं ना, तो उनके एक बाजू को काट देते हैं, तो वो दूसरे बाजू में वो ही मशकीरा वो डाल लेता है। जब दूसरे बाजू में वो डाल लेता है, तो उसका वो दूसरा बाजू भी वो काट देते हैं। दूसरा बाजू जब काट देते हैं, तो वो गले में अपने ना मशकीरा वो डाल लेता है। जब वो गले में मशकीरा डालता है, तो वो ना उसका ना सर भी काट देते हैं, कलम कर देते हैं, शहीद कर देते हैं। तो वो पानी जो होता है ना, वो सहरा में गिर जाता है खून के साथ। तो मैंने ये कहा था कि बेटा वो ना गिर गया पानी ना सहरा के ऊपर, तो छोटी बेटी ये कहती खून के साथ। हाँ, मुझे फिर मैंने गौर किया ना, तो वाकई खून के साथ वो ना पानी भी बहा हुआ था। उसके बाद मैं बता रहा था कि बेटा तुम लोगों का भाई इसलिए नहीं है कि तुम्हारे भाई तो सारे वहाँ पे शहीद कर दिए थे, कोई भी नहीं छोड़ा था। इवन वो जो अली असगर था छोटे वाला, उसको खेमे के बाहर आके जब पानी मांगा था इमाम हुसैन ने, तो कहा था कि इसके लिए पानी चाहिए। तो वो एक ना पानी की जगह पे वो एक बड़े साथी आ गया, तो वो लग गया, तो वो लेके फिर वो अंदर चले गए उनको, वो लाशा लेके छोटा सा। तो वही तो बता रहा हूँ, और कौन सी बताऊँ। फिर आप जब हुसैन आप गए आखिर में, जब आप जाते हैं तो वहाँ पे ना, वहाँ पे तीर लगते हैं आपको, बड़े नेजे भी लगे होते हैं और तीर भी बड़े बड़े लगे होते हैं। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। जब तीर और नेजे लगे होते हैं, घोड़ा को भी, जो उनका दुल्दुल घोड़ा होता है, वो भी बेचारा शहीद हो चुका होता है, तो घोड़ा हाँ उसको भी बड़े लगते हैं पुत्र, अंधे तो उसको लग जाते हैं। तो फिर नेज़े भी लगे होते हैं, तो ना जब वो आप ज़मीन पे तशरीफ लेके आते हैं ना, तो वो एक कातिल जो होता है, जो आपका सर काटने के लिए आता है, तो वहाँ पे इमाम हुसैन पता है क्या कहते हैं, बात तो सुन लो आप। वो बात ये थी कि वो बोलता था कि अल्लाह मियाँ जी मैं तुमसे राज़ी हो गया। आपकी बात में सच्ची हूँ मैं आपकी। मैं राजी हो गया। ये नहीं कहा था कि तुमने मेरा ये क्यों किया, मेरा मेरा खानदान सारा शहीद कर दिया, पुत्र किला नहीं किया। आपने कहा कि अल्लाह मैं तेरी रजा पे राजी हो गया, और इसका क्या मतलब बनता है, तेरा शुक्र है तुमने मुझे इतने प्यारे और अच्छे और अजीम इम्तिहान के लिए हमें लिया, हमारा इंतखाब किया। ठीक है, ये शुक्र अदा भी होता है पुत्र। लो मैंने अब सुना दी, अब तुम कर लो। चार अल्लाह हाफिज़। नहीं अब नहीं भेजता, ये नहीं, ये तो हमारे काके वाली बात है।